हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी है कि योगी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है और इसमें युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बजट, युवाओं को मिला बड़ा तोहफा। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रोजगार सेवकों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा चौकीदारों सहित अन्य विभागों के कर्मियों का मानदेय वृद्धि, बजट विधानसभा में पेश। जानिए किसको क्या मिला। आइए दिखाते हैं दोस्तों किसके लिए कितनी व्यवस्था की गई। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी योगी आदित्यनाथ सरकार बुधवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल में पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले 6 माह में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए 7,301.52 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया, जो आम बजट का 1.33% है। इससे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में पब्लिक का परसेप्शन बदला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करते हुए कहा कि जो अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह बजट लाया गया है, इसमें युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों का भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का बजट में प्रावधान किया गया है। राजधानी में अम्बेडकर स्मारक तथा सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, आंगनबाड़ी आशा वर्कर और चौकीदारों के लिए मानदेय में वृद्धि, गोवंश का रखरखाव और अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था व बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है। टोक्यो ओलंपिक की विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था भी अनुपूरक बजट में की गई है। अनुपूरक बजट में रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.62 करोड़ रुपये, PRD जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपये, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के लिए 265.07 करोड़ रुपए, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए, ग्राम प्रहरी चौकीदार के मानदेय में वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए 123.55 करोड़ रुपए, मुख्य व सहायक रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए 160 करोड़ रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 28.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 300 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए, अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए 90 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए, वाराणसी में गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तार व मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए, अयोध्या में पार्किंग व जन सुविधाओं के विकास के लिए 209 करोड़ रुपए, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के लिए 50 करोड़ रुपए, उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के हानियों की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते हुए हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दिया। विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, घरों में खाने के लाले पड़े हैं, सदन में सबसे पहले महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बीच सपा समेत विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न बांट रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम अन्य राज्यों से कम है, उन पर वैट भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वह सदन की कार्यवाही में बाधा डालना चाहता है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भी विपक्षी सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इस पर उन्होंने सदन की कार्यवाही को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद 11:45 विधानसभा में सदन के स्थगन की अवधि को 12:20 तक बढ़ाने की घोषणा हुई। आशा वर्करों, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनबाड़ी रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोइयां समेत विभिन्न संभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश की योगी सरकार ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सरोज कुमार खन्ना ने कहा कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार पर खर्च होंगे। वहीं आशा वर्करों, चौकीदारों, ग्राम प्रहरी, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक, प्रांतीय रक्षक दल, रसोईयां समेत विभिन्न संभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें अधिवक्ताओं के लिए भी स्पेशल बजट लाया गया है और गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान किया जाएगा। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जनता परेशान है, त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जनता त्राही त्राही कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल यूपी में है, सरकार मुफ्त खाद्यान्न बांट रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा कि आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है, महंगाई के कारण प्रदेश की क्या हालत है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने कल भी प्रदर्शन किया और आज भी किया, हमने इस पर विधानसभा सूची में 78वें नंबर पर रखा गया है, सरकार चर्चा से भाग रही है। बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि वह कृषि बिल व महंगाई पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सपा और कांग्रेस ने हंगामा कर दिया, जिससे सदन स्थगित हो गया। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस भाजपा की मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा जो है आज का ब्रेकिंग न्यूज और योगी सरकार का लुभावना जो है अनुपूरक बजट, जिसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है। अब देखना यह है कि किसको कितना मिलता है, मानदेय में कितनी वृद्धि होती है, ये जल्द ही आपके सामने आएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई न्यूज लेकर के। तब तक के लिए।